हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रहमत अली और आप देख रहे हैं रहमत अली पीसी। अगर आप सीखना चाहते हैं फ़ोटोग्राफी और अगर आप सीखना चाहते हैं फ़ोटोशॉप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। सो गाइज, मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है, ये देखें। आपने भी सिंपल ऐसे ही करना है। तो ये हमारी पिक्चर है, इसको मैं एडिट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर मैंने बना ली है। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपने फ़ोटोशॉप में जब भी कोई काम करना है लेयर बाई लेयर करना है। तो मैंने डुप्लीकेट लेयर बना ली है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक लेयर को डिलीट करता हूँ, तीन हो गई हैं, तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ, ठीक है। तो डुप्लीकेट लेयर बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एल प्रेस करके लेवल पैनल ओपन करूँगा और पिक्चर में लेवल सेट करूँगा। तो देखें, मैं लेवल सेट कर रहा हूँ पिक्चर का। आपने भी सिंपल ऐसे ही करना है अगर आपकी पिक्चर में लेवल सही ना हो तो। तो मैं पिक्चर का लेवल सेट कर देता हूँ, ये देखें, ये हो गया। अब मैं करता हूँ ओके। तो मैं लेयर मर्ज करता हूँ, ठीक है, या आप बिफोर एंड आफ्टर चेक कर लें। तो मैंने लेयर मर्ज की, दोबारा डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ कंट्रोल जे प्रेस करके। अब मैं चलता हूँ फिल्टर में, कैमरा रो सेटिंग में, ठीक है। तो मैं सिंपल चलता हूँ कैमरा रो में। तो कैमरा रो फिल्टर ओपन हो गया। अब मैं चलता हूँ ग्रे साइकिल पिन में। तो मैं नॉर्मल ग्रे साइकिल पिन में, तो मैं नॉर्मल सब की सैचुरेशन बढ़ा दूंगा सिवाय ऑरेंज की, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज हमारी कलर ट्यून का पैनल है, इसलिए इसमें कलर का फेस का कलर भी सैचुरेशन से ज़्यादा होगा, तो मैं इसको कम ही रखूंगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल रिटच करूंगा और कितनी ही प्यारी एक्वा ट्यून सेट कर दूंगा। तो ये देखें, पिक्चर में कितनी अच्छी ट्यून आ गई है। सिंपल आपने भी ऐसे ही करना है। तो ये देख लिया, मैं स्प्लिट ट्यून ओपन करता हूँ और नॉर्मल सी ट्यून बना देता हूँ ताकि पिक्चर में ग्लो और अच्छी लगे। तो ये देखें, पिक्चर में ट्यून सेट हो चुकी है कितने अच्छे तरीके से। आप मेरी सेटिंग जो मैं कर रहा हूँ देख लेनी अच्छे तरीके से, क्या क्या सेटिंग मैंने रखी है। सिंपल आपने भी ऐसे ही करके रख लेनी है और ये ट्यून बना लेनी है, ठीक है। तो मैं अब ब्लू प्राइमरी में ब्लू की सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा दूंगा, ठीक है, और ह्यू भी थोड़ा कम करूंगा। अब मैं चलता हूँ ग्रीन प्राइमरी में, तो इसकी भी मैं थोड़ी सैचुरेशन बढ़ाऊंगा और ह्यू को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब मैं रेड प्राइमरी में चलता हूँ, तो इसकी मैं थोड़ी कम ही रखूँगा सैचुरेशन और ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। अब मैं करता हूँ ओके। तो गाइस देखें, पिक्चर में कितनी अच्छी ट्यून सेट हो चुकी है बिफ़ोर एंड आफ्टर। चेक कर लें आप कि पहले कैसी थी और अब कैसी एडिट हो गई है। सिंपल, एक ही स्टेप में, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आपने मेरी अभी तक दूसरी वीडियो नहीं देखी, मैंने एक दो वीडियो पहले भी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, तो आपने वो भी जाके चेकआउट कर लेनी है। तो मैं दोबारा कैमरा रो ओपन करता हूँ और विग्न टूल से इसकी थोड़ी सी अमाउंट कम कर देता हूँ ताकि पिक्चर में ग्लो ज़्यादा आए। तो मैं नॉर्मल ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा कि फेक ना लगे। तो मैंने वो भी कर लिया। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर आप खुद चेक कर लें, ये देखें पहले कैसी थी और अब पिक्चर कितनी ही अच्छी लग रही है। सिंपल, तो मैं इसको क्या करूँगा, लेयर मर्ज करता हूँ और दोबारा डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ, ठीक है। ये डुप्लीकेट लेयर बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, पिक्चर में थोड़ा हाई पास डाल दूँगा ताकि पिक्चर में टेक्सचर ज़्यादा हो और पिक्चर ओरिजिनल लगे, ठीक है। तो ये देख ले मैंने कितना टेक्सचर रखा है, 0.3, ठीक है। अब मैं करता हूँ ओके और इसका नॉर्मल मोड में लीनियर लाइट पे रखूँगा, ठीक है। तो आप देख ले, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि टेक्सचर भी पिक्चर में आ चुका है और पिक्चर कितनी HD क्वालिटी की हो चुकी है बिफ़ोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो आज के लिए, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर थी,
कि आप फोटोशॉप में कैसे एक्वा ट्यून सेट सकते हैं। ऐसे ही मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है। तो आज के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।